फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जिसमें कि कौन सी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई जा रही थी? थर्मल एक्सपेंशन वाली, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर। और जो मैटर की थर्मल एक्सपेंशन है उसके लिए मैंने कल एक लेक्चर डेवलप किया, फिर एक पेज भी आपको दिया होगा। प्लीज टेल मी, इनिशियली मैंने थर्मल का मीनिंग डेवलप किया, समथिंग रिलेटेड टू हीट, समथिंग रिलेटेड टू सच अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, कि जो पार्टिकल्स की या तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं या पार्टिकल्स की एवरेज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाते हैं। बेसिकली हमने कहा कि हमें वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। हमें इंटरेस्ट था किस चीज में? वॉल्यूम के इजाफे में, कि जब आप उसको हीट करेंगे तो उसको हीट करने से बेसिकली तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा होता है तो एक 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 चीज के ना तीन एस्पेक्ट्स आ गए अभी हमारे सामने, कि अगर आप बिल्कुल पार्टिकल्स के लेवल पे या मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ये कहेंगे कि जब हमने हीट किया तो पार्टिकल्स ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उन्होंने उसको एब्जॉर्ब करके अपनी एवरेज स्पीड या एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया। दिस इज वन कॉन्सेप्ट। क्या जनाब साहब? एवरेज स्पीड को बढ़ाना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, मतलब ये उसकी एक केमिस्ट्री टाइप चीज है। लेकिन इसके नतीजे में क्या फिजिक्स हो रही है? हमने लास्ट किसी लेक्चर में कहा था कि पार्टिकल्स की स्पीड में इजाफे होने का मतलब या उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होने का मतलब क्या? उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये उसकी फिजिक्स आ गई। क्या ज्यादा होगा जी? उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। और जब हमने उसका टेम्परेचर ज्यादा कराया तो हमने उसके ऊपर क्या फॉर्मूला अप्लाई किया? कैन यू प्लीज टेल मी, हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जी? एम सी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जी? एम सी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। एक ये वाली फिजिक्स आ गई। आज हम एक और बात भी कर रहे हैं कि जब आप उसको हीट करेंगे तो पार्टिकल्स की एवरेज स्पीड या एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो तो ज्यादा होगी होगी। उसकी फिजिक्स ये है कि उसका टेम्परेचर वो तो ज्यादा हो गई होगा। एक और चीज हमने एक्सप्लेन करनी है, उसका थोड़ा सा वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गैस हुई तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और अगर क्या बोलते हैं लिक्विड हुआ तो दरमियान से वॉल्यूम ज्यादा होगा, और अगर कुछ सॉलिड हुआ तो बहुत कम उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अब मुसीबत यह है कि अगर हम फिजिक्स में किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें फिजिक्स में किसी भी चीज को क्वांटिटेटिवली डिस्कस करना चाहिए। कैसे डिस्कस करना चाहिए? अब ये क्वांटिटेटिवली तो हमने सिर्फ एम सी डेल्टा टी डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया? फॉर अ सॉलिड आई गेस, फॉर अ सॉलिड वी हैव नॉट डिस्कस्ड द इंक्रीज इन वॉल्यूम वाला केस। हम उसको क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? बिकॉज शायद हम ये समझते हैं कि क्या होता है, बेटा चेयर अपनी आगे लाके बैठना समीर। क्या समझते हैं जनाब साहब? मैं आई होप आपको एक बात समझा चुका हूं कि हीट करने का तीन डिफरेंट वर्जन क्या है कॉन्सेप्ट सुनाने के लिए। कैन यू प्लीज एनीवन रिवाइज करेंगे कि जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या तीन बातें हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड। मैंने अभी अभी एक्सप्लेन की है। मैं चाहता हूं कि यहाँ गर्ल्स में से आयशा, अभी मैंने कहा हीट करेंगे तो क्या क्या होगा, आप क्या क्या बता सकते हैं? पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, तो इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड ज्यादा होगी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। दिस इज वन कॉन्सेप्ट, दिस इज वन वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द आंसर। द अदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द आंसर इज ऊंचा बोल, मतलब वही फास्टर हो गए, एवरेज स्पीड ज्यादा हो गई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। दिस इज काइंड ऑफ डिस्कशन जो आपने, मतलब वन ऑफ द आंसर ये। इसी सेम जब सवाल का दी अदर आंसर क्या है, क्वांटिटेटिवली कोई फॉर्मूला अप्लाई होता होगा, कोई और क्वांटिटी जो इंक्रीज होती होगी हीट करने से, और क्या इंक्रीज होता है? आपके साथ हाजरा तो आप कहना चाहते हैं उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया जी, आपके साथ बेटा आपका नाम क्या है?
से आप बताएं और क्या ज्यादा होगा? एम्पलीट्यूड, चलो हाँ वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा। मैं बस तीन बातें बताना चाहता हूँ, गौर से मेरी बात सुनिए प्लीज, कि जब भी मैं हीट करूं, हीट करने से एक तो जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सर जी क्या होता है असल में, ऑब्जेक्ट को जब आप हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होना, ये प्योर फिजिक्स है। कौन प्योर फिजिक्स है? सर मार वो फिर इनका टेस्ट लाजमी चेक करना है, A2 का, मैथ्स का, ठीक है? उनका टेस्ट खत्म हो गया, ठीक है, उनको आप नहीं लेने, ठीक है सर, डन, ठीक है, ठीक है। क्या बता रहा हूँ जी? कुछ बता रहा था कि हीट करने की प्योर फिजिक्स क्या है। हीट करने की प्योर फिजिक्स ये है कि सर जी इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उसका प्योर फिजिक्स है। लेकिन इसी फिजिक्स के लिए हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल्स की क्या होगी, पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, या पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ पार्टिकल्स या ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इसको कह सकते हैं, ये दूसरा वर्जन। इसी बात का तीसरा वर्जन क्या है कि जब वो ज्यादा तेज वाइब्रेट करते हैं, जब वो ज्यादा तेज यू नो क्या बोलते हैं मूव करते हैं, तो क्या करते हैं, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इंक्रीज इन द स्पेस ऑक्यूपाइड। ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसमें एक मुसीबत क्या हो रही है कि अगर मैं प्योर फिजिक्स सुनाऊं, प्योर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं, तो मुझे क्या कहना चाहिए कि हीट करोगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, वहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या, एम सी डेल्टा टी, हीट एनर्जी के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा वाला, एम सी डेल्टा टी। क्या इस फॉर्मूले में किसी को परेशानी है जी, एनीवन, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, लेकिन जब मैं यहां आता हूं कि पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो मैं यहां कोई फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, क्यों, वो तो मैं उसकी केमिस्ट्री सुना रहा हूँ, क्या सुना रहा हूँ, और मैं ओवरऑल किसी गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी, मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज नॉट फिजिक्स, दिस इज काइंड ऑफ केमिस्ट्री। यहां मैं क्या कह रहा हूँ, इंक्रीज इन स्पेस ऑक्यूपाइड, उसकी स्पेस ज्यादा हो जाती है। यहां भी मुझे एग्जामिनर ने क्या कहा, क्या करो, क्वालिटेटिवली डिस्कस करो, क्या करो, इधर से भी मुझे फॉर्मूला बनाने की इजाजत, अच्छा फॉर्मूला अगर बनाने की इजाजत तो सिर्फ गैसेस के लिए, किसके लिए, कि अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो बॉयज लॉ या चार्ल्स लॉ या प्रेशर लॉ या कोई भी लॉ यहाँ लगा दो, बट फॉर सॉलिड्स यहां मैंने क्वांटिटेटिवली करना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, दिस इज यू नो क्या, दिस इज काइंड ऑफ केमिस्ट्री, या आप इसको भी क्या कहोगे कि मैं इसको क्या कह रहा हूं, अब बल्कि नहीं, मैं इसको मॉलिक्यूल्स के जिक्र कर रहा हूं, आई मस्ट से दिस इज केमिस्ट्री हो रही है। केमिस्ट्री में तो वैसे ही क्या होता है, कोई फॉर्मूला शॉर्मूला डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे जो इंक्रीज इन स्पेस ऑक्यूपाइड हो रही है, यहां मैं क्या करूंगा, यहां पे बेटा जी मैं क्या नहीं करूंगा, इसका भी हालांकि एक फॉर्मूला होता है, इसका प्रॉपर एक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, लेकिन आपने देखा कि स्पेसिफिकेशंस ने क्या कहा, क्वालिटेटिवली करो, तो मुझे इसको क्वालिटेटिवली डिस्कस करना है। डीजे जनाब साहब, यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल या जवाब है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। मैंने आई गेस आपको एक पेज दिया होगा, इस पेज में एनीवन जिसके पास ये थर्मल एक्सपेंशन वाला पेज जो है वो ना हो, हाथ खड़ा कर दीजिए। एक यहां से पीछे भिजवाएं बेटा जी, ये भी यहीं से पीछे भिजवाएं, ये यहां से आप ले लें जी, ये यहां से पीछे भिजवा दें। कल आए थे आप कपन भाई, जी तो जनाब साहब क्या बात हो रही है, क्या हो रही है, गौर से सुनेंगे, जिस किसी के पास वो पेज नहीं है साथ वालों में से किसी से शेयर कर लें कि मैं वहां क्या लिख रहा हूं। मैंने वहां हेडिंग बना के क्या दी है जी, थर्मल एक्सपेंशन की हेडिंग दी हुई है, और मैंने वहां बड़ा सिंपल करके लिखा है कि बेटा जी आप देख सकते हैं वहां मैंने कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं किया, क्यों,
क्वालिटेटिव डिस्कशन करनी थी, क्या करनी थी, क्वालिटेटिव डिस्कशन करनी है थर्मल एक्सपेंशन के लिए। और बड़ी सिंपल सी बात सुनाई जाती है, व्हेन मटेरियल्स आर हीटेड, क्या करना है, मेरे पास नहीं है, हाथ खड़ा करें, किस किस के पास नहीं है वाला, फिर जी हो अभी भी, एक दो वहां गर्ल्स ने ऐड किया था, तीन चार, फिर जी पांच, इमरान साहब ये थर्मल एक्सपेंशन वाले पांच नोट्स ला दीजिए, थोड़ी देर बाद आप 5 मिनट बाद याद कर लीजिएगा प्लीज, 6 पेजेस चाहिए सर। अच्छा सुने गौर से प्लीज, मैंने वहां क्या लिखा हुआ है, कोई भी एनीवन प्लीज रीड आउट, रीड करें यार क्या लिखा, अरमान साहब पढ़ो यार क्या लिखा, व्हेन मटेरियल्स आर हीटेड दे एक्सपैंड, स्टेट ऑफ वेव्स ने दिया, हीट करो एक्सपैंड होते हैं, वो मूव अराउंड या वाइब्रेट क्या करते हैं, फास्टर करते हैं, मैं भी ये कह रहा था, जब वो नॉक इन टू ईच अदर करेंगे और पुश ईच अदर अपार्ट करेंगे तो उनका ओवरऑल स्पेस ऑक्यूपाइड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आगे अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि असल में जब वो दे नॉक इन टू ईच अदर एंड पुश ईच अदर अपार्ट तो जो उनका स्पेस ऑक्यूपाइड है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल का अपना जो साइज है वो ज्यादा। आई होप आपको कल भी ड्राइंग याद होगी कि मैंने सॉलिड में वो ब्लैक ब्लैक डॉट्स बनाए, मैंने उनका साइज ज्यादा क्या ज्यादा कर रहा था मैं, कि उसका जो सर्कल है उनमें सर्कल बड़ा कर रहा था, वो सर्कल क्यों बड़ा कर रहा था, क्या उसका जो वाइब्रेशन है, उसकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है मैं कह रहा था वो ज्यादा हो रहा है, उसका जो स्पैन ऑफ वाइब्रेशन है वो ज्यादा हो रहा है, उसकी जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो ज्यादा हो रही है, क्या ज्यादा नहीं हो रहा था, क्रिस्टल में क्या ज्यादा नहीं हो रहा था, मॉलिक्यूल का जो अपना साइज है वो साइज ज्यादा नहीं होता कौन, और अक्सर पेपर में आता होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ गैस इज हीटेड, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, तो ऑप्शंस में क्या लिखा होता है, यदि मॉलिक्यूल इंक्रीजेस इन साइज, नहीं लिखना, क्या लिखना है, द स्पेस टेकन अप बाय द मॉलिक्यूल इट इंक्रीजेस इन साइज, ठीक है। तो ये बड़ा क्लियर कट सवाल है, किसी ना किसी पेपरों में देख लेंगे जब आप इसके पास पेपर आएंगे। आगे चले जनाब साहब, और साइड पर ड्रॉइंग में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉइंग में क्या बना हुआ है, यू कैन सी इन द ड्रॉइंग दैट हीट प्रोवाइड हो रही है, हीट की प्रोवाइड करने से मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन दिख रहा है, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा हो रही होगी, कहते जनाब साहब व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट मोर मोर फास्टर पुशिंग ईच अदर व्हाट, पुशिंग ईच अदर अपार्ट, तो जब वो वाइब्रेट मोर फास्टर करेंगे, पुशिंग ईच अदर अपार्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, उनका जो वॉल्यूम है या जो उनका स्पेस ऑक्यूपाइड है वो क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाइड ज्यादा होगा। आगे चले, तीनों में अकर करती है। आगे ये एट कांस्टेंट प्रेशर मेंशन करना क्यों जरूरी है, वो चार्ल्स लॉ की वजह से कि वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ही सारा इफेक्ट किस पे जाएगा, तो ही सारा इफेक्ट जो है वो वॉल्यूम पे जाएगा। आई वुड लाइक आप एक काम करें, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज एट कांस्टेंट प्रेशर, इसके आगे लिखें भी, इसके आगे क्या लिखें, इसके आगे क्या लिखें, चार्ल्स लॉ क्या होता था, V इज प्रोपोर्शनल टू T, एट कांस्टेंट प्रेशर के आगे क्या लिखें, सॉलिड्स के लिए फॉर्मूला नहीं है ना, गैसेस के लिए तो है ना, गैसेस का तो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ, V प्रोपोर्शनल टू क्या, T, कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, हाँ ये असल बात है, दे टेंड टू एक्सपैंड द लीस्ट एक्सपेंशन है सॉलिड्स की, और गैसेस की दे एक्सपैंड द मोस्ट, और लिक्विड्स की मतलब दोनों दरमियाना दरमियाना उसका हुआ है। आगे चले जी, तो असल कॉन्सेप्ट दोबारा उसी ने भी रिपीट किया है कि मॉलिक्यूल खुद एक्सपैंड नहीं हो रहा, उसकी स्पेस एक्सपैंड हो रही है। आगे असल में वहां क्या हो रहा है, वो यही तो कह रहा है कि भाई उधर मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनके दरमियान बहुत स्ट्रांग होती है, तो जब वो ओवरकम नहीं हो सकती इतना ज्यादा एक्सपेंशन उसमें नहीं होगा। आगे आगे मतलब वहाँ वैसे ही उनके दरमियान में मॉलिक्यूल्स की इतनी हाई एनर्जी होती है कि उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करना या ख़त्म करना या वो होती नहीं है, तो एक दूसरे से क्या करते हैं,
बहुत दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। आगे चलें, क्या उसके एप्लीकेशंस क्या हैं जी? आपको जो ड्राइंग नजर आ रही है, इस ड्राइंग में जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, क्या टेम्परेचर है उसका? उसकी लाइन को हाईलाइट करिए, 20 डिग्री को हाईलाइट करिए जी। थर्मोमीटर के अंदर जो 20 डिग्री है उसको हाईलाइट करिए, एक्सट्रीम लेफ्ट 20 डिग्री हाईलाइट हो गया जी। ये टेम्परेचर लो है कि हाई है? क्या सीन है इस टेम्परेचर का? इसके देखिए लो टेम्परेचर है, इसके नीचे देखिए लोअर टेम्परेचर है। जरा साथ वाले को देखेंगे, वहां क्या है जी? 60 डिग्री सी है। तो 60 डिग्री सी पर वो क्या है? हायर टेम्परेचर है। कैन यू प्लीज टेल मी लोअर टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या है? लोअर वॉल्यूम है, हायर टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या है? नजारे के नहीं आ रहे, ऊपर चला गया ना। तो जो पहली वाली ड्रॉइंग है वहां लिखे लोअर टेम्परेचर लोअर वॉल्यूम, जो दूसरी वाली ड्रॉइंग है वहां क्या लिखे? हायर टेम्परेचर हायर वॉल्यूम। तो कहता है असल में हमने यहां क्या इस्तेमाल किया, मर्करी के थर्मोमीटर में क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, टेम्परेचर के ज्यादा होने से या हीट के ज्यादा होने से लिक्विड ने एक्सपैंड होना था, एक्सपैंड की वजह से उसके वॉल्यूम ने ज्यादा होना था, वॉल्यूम के ज्यादा होने से हमने उसकी उसको एक स्टेम के अंदर क्लोज किया ताकि उसकी लेंथ ज्यादा हो, और उसकी लेंथ को नोट किया क्या मेजर करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए जी? उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो थर्मोमीटर बेसिकली क्या होता है? थर्मोमीटर क्या करता है? इट मेजर्स टेम्परेचर, लेकिन वो किस बुनियाद पर मेजर कर रहा है टेम्परेचर को? एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की बुनियाद पर। तो ये काम कर लिखा है उसने, थर्मोमीटर्स रिलाय ऑन व्हाट? रिलाय ऑन द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स टू मेजर द टेम्परेचर। एक काम कीजिए, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड थर्मोमीटर एंड अंडरलाइन द वर्ड एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स एंड अंडरलाइन मेजर टेम्परेचर। तो बेसिकली थर्मोमीटर ने तो क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, लेकिन किस पे रिलाय कर? एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स पे रिलाय कर। तो मैं समझता हूं जो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है वो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी है। क्या है जनाब साहब? वो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को बुनियाद बनाकर थर्मोमीटर क्या कर रहा है? थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। कभी भी कोई थर्मोमीटर डायरेक्टली टेम्परेचर को मेजर नहीं करता, वो क्या मेजर करता है बच्चों? प्लीज बताइए क्या मेजर करता है? कोई भी थर्मोमीटर डायरेक्टली टेम्परेचर को मेजर, वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसी ना किसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ क्या, अब कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल नहीं मैं कहूंगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड या सॉलिड या गैसेस को इस्तेमाल करता है। आई बिलीव एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के नीचे लिखे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के नीचे क्या लिखेंगे? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। या उसके नीचे या उसके ऊपर लिख दें तो क्या हुआ, जुमला क्या बनेगा? मुझे लगता है जुमला ये बनता है कि थर्मोमीटर्स रिलाय ऑन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज टू मेजर टेम्परेचर। उसने क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा थर्मोमीटर्स रिलाय ऑन, बच्चों प्लीज हाथ खड़ा करें, किसके पास ये पेज नहीं है? प्लीज हाथ खड़ा रखें, किसके पास ये पेज नहीं है? अलीशा हाथ खड़ा रखें प्लीज। चलें जी मुझे देना भाई बाकी पेजेस। मैंने आपका पेज लिया, जी तो भाई क्या बात हो रही है, सरोसामा की क्लास खत्म हुई है? अच्छा मैं कह रहा हूं इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लिखा कि थर्मोमीटर क्या करता है, वो रिलाय करता है ऑन द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, क्या करने के लिए? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। मैं चाहता हूं मैं इसी जुमले को ऐसे लिखूं कि थर्मोमीटर रिलाय करता है किसी भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर टू मेजर क्या, टू मेजर द टेम्परेचर। ये तो अभी आपके पास जो मर्करी वाला थर्मोमीटर है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर वो मर्करी का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है हीट के ज्यादा होने की वजह से। समटाइम्स कुछ थर्मोमीटर्स होते हैं वो किसी और प्रॉपर्टी पे काम करेंगे, किस प्रॉपर्टी पर? मैं अगर कहूं कि क्या पता कोई थर्मोमीटर है वो प्रेशर के ऊपर काम कर रहा है कि
हीट की वजह से, टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है? और कोई प्रेशर को मेजर करता है बैरोमीटर से या पता नहीं मैनोमीटर से, और प्रेशर को मेजर करके लेकिन रिलेट किससे कर रहा है उसको? रिलेट उसको टेम्परेचर से किया जा सकता है? समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? क्या पता समटाइम जो जो फैक्टर, जो जो क्वांटिटी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होती है, हर वो प्रॉपर्टी क्या कर सकती है? हर वो प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। एक काम करेंगे, साइड पे जाके एक नोट लिखिए, एनी प्रॉपर्टी, साइड पे एक नोट लिखें जी, एनी प्रॉपर्टी दैट कैन चेंज any property that can change with respect to change in temperature, any property that can change with respect to change in temperature, with respect to change in temperature can be used as a thermometric property, can be used as a thermometric property, any property that can be used as That can be used as क्या बच्चों? That can be used as thermometric property. Sorry, any property that can change. क्या लिखा है? Any property that can change with respect to temperature, with respect to change in temperature can be used as क्या? Can be used as thermometric property के तौर पर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो आपके सामने thermometer आपके syllabus में present किया गया है, इसमें कौन सी property है जो change हो रही है temperature की वजह से? Is the volume of the liquid. क्या जनाब साहब? Volume of the liquid change हो रहा है. Volume of the liquid जब change हो रहा है, तो हम असल में तो मैयर हम volume कर रहे हैं, क्योंकि volume ज़्यादा हो रहा है. लेकिन हम उसको calibrate करते हैं किसकी units में? हमने उस पूरे instrument को बजाय इसके कि ये कहें कि 20 degree पर volume इतना है, फिर volume इतना हो गया, फिर volume इतना हो गया, हालांकि तो ऊपर क्या जा रहा है? बच्चों बताएं असल में ऊपर क्या जा रहा है? असल में तो लिक्विड ऊपर जा रहा है. असल में लिक्विड का क्या ज्यादा हो रहा है? असल में तो लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है. तो जो आपका स्केल है, वो स्केल किस हिसाब से मार्क्ड होना चाहिए था? वो तो वॉल्यूम के हिसाब से मार्क्ड होना चाहिए था. लेकिन अगर आप गौर करें तो स्केल किस हिसाब से मार्क्ड है? स्केल तो टेम्परेचर के हिसाब से मार्क्ड है. अब बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको कहते हैं कैलिब्रेट करना. क्या करना? स्केल को, स्केल हो किसी और चीज का, लेकिन आप उसको कैलिब्रेट किसी और टर्म्स में कर, जिनका आपस में ताल्लुक हो. ऐसे ही होगा, रैंडमली नहीं होता. ताल्लुक है हीट का और टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, कि हीट करने से टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, और हीट करने से जस्ट टेम्परेचर नहीं, स्पेस भी ज्यादा होती है, वॉल्यूम भी ज्यादा होता है. इसलिए इन दोनों का जो आपस का रिलेशन है, तो आप देख रहे हैं कि वहां असल में वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम रीडिंग किसकी लिख रहे हैं? हम रीडिंग टेम्परेचर की लिख रहे हैं कि 0 degree, 20 degree, 40 degree, 60 degree, 80 degree. किसको मसला इस बात से? बहरहाल एक और जो एक्सट्रीम राइट पे ड्राइंग बनी हुई है, वहां उन्होंने मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है कि जब टेम्परेचर कम था तो अब देखिए वहां क्या हो रहा है. वहां मॉलिक्यूल्स क्या है जी? मॉलिक्यूल्स ने स्पेस ऑक्यूपाइड कम की हुई है, और जब राइट वाली ड्राइंग में क्या हो गया है? हीट ज्यादा हो गई है, तो मॉलिक्यूल्स बड़े हो गए हैं कि उनकी स्पेस बड़ी हो गई है? उन्होंने जो स्पेस ऑक्यूपाई की वो बड़ी हो गई है. किसी को मसला इस बात से? आगे चले जनाब सर, आगे पढ़ो भी. अगले पेज पे क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? लो जी, अंडरलाइन द वर्ड बायोमेटालिक स्ट्रिप. क्या कॉन्सेप्ट है बायोमेटालिक स्ट्रिप का? एक काम करेंगे, बायोमेटालिक स्ट्रिप, कैन यू प्लीज अंडरलाइन द वर्ड बायोमेटालिक. बाबा बायोमेटालिक, बायो मतलब टू, तो बायो को अंडरलाइन करके लिखे टू, मेटालिक मतलब मेटल्स, स्ट्रिप मतलब स्ट्रिप. सो व्हाट इज बायोमेटालिक स्ट्रिप? अ स्ट्रिप मेड अप ऑफ टू मेटल्स That are welded together. एक काम करें, इसको ऊपर लिखें, बल्कि नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा आगे आगे पढ़ो जी. An important application of thermal expansion is a bimetallic strip which is used to measure temperature. खैर इस वक्त मैं bimetallic strip को temperature measure करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखता हूं मैं उसको किसी electrical circuit में इस्तेमाल करूंगा. किस में इस्तेमाल करूंगा? किसी circuit को on करने के लिए, या किसी circuit को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करूंगा. मैं इस वक्त आपको वो इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ाना चाहता जिस थर्मोमीटर के अंदर क्या हो रहा हो,
जिस थर्मोमीटर के अंदर जो है वो बायोमेटल स्ट्रिप इस्तेमाल हो रही हो, क्योंकि हम हमारे सिलेबस में थर्मोमीटर के तौर पर कौन है, वो मर्क्यूरी वाला काफी है जी, ठीक है। बहरहाल यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली, पढ़ने जरा बायोमेटल स्ट्रिप में क्या होता है। You know, ये जो टू स्ट्रिप्स हैं मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल्स, एक काम करेंगे प्लीज आप इस लफ्ज को डिफरेंट मेटल्स को अंडरलाइन करेंगे। जो बायोमेटल स्ट्रिप है वो किससे बनी है जी, इसको अंडरलाइन कराएं, इसके बाद कौन सा अंडरलाइन करें, टू डिफरेंट मेटल्स का वर्ड अंडरलाइन करें। अब मुझे एक बात बताएं, जब मैं दो डिफरेंट मेटल्स को आपस में वेल्ड कर दूंगा तो उनकी जो थर्मल एक्सपेंशन होगी, जो उनकी थर्मल एक्सपेंसिविटी, मतलब एक कॉन्सेप्ट है ना, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, एक्सपेंसिविटी, एक्सपेंशन से निकाल रहा हूं मैं क्या, एक्सपेंसिविटी, उनकी थर्मल एक्सपेंसिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी ना, मतलब कोई ज्यादा एक्सपेंड करने के काबिल होगा, कोई कम एक्सपेंड, मतलब यार सबके सब मेटल्स एक जितना एक्सपेंड करते हैं, नहीं भाई, पहले तो फर्क किसके है, सॉलिड्स की डिफरेंट एक्सपेंशन है, लिक्विड्स की डिफरेंट। और अब एक और बात बता दूं, इवन दो डिफरेंट मेटल्स लोग है ना तो उनका डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंशन होगा फॉर द सेम टेम्परेचर, ठीक है। जो कौन से दो लिए गए, आई थिंक ब्रास लिया गया और स्टील लिया गया, मुझे इन दोनों में से ऐसा लगता है कि ब्रास जो है वो ज्यादा थर्मली एक्सपेंसिव है, मतलब उसकी एक्सपेंशन ज्यादा। एक काम करें, डिफरेंट मेटल्स को अंडरलाइन करके ऊपर क्या लिखें, डिफरेंट थर्मल एक्सपेंसिविटी, बल्कि एक सेकेंड, एक प्रॉपर टर्म है, मैं एक्सपेंसिविटी इज एन इनकरेक्ट टर्म, एक टर्म होता है डिफरेंट थर्मल, डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्या डिफरेंट कोएफिशिएंट। अब यार अजीब सी टर्म है, आप कहेंगे सर कोएफिशिएंट कहां से ले आए आप, ठीक है, नहीं आपने मैथ्स में नहीं पढ़ा कोएफिशिएंट, बल्कि क्या कहता हूँ, कॉन्स्टेंट ऑफ एक्सपेंशन, कॉन्स्टेंट तो पढ़ा है ना, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ा है। एक काम करो ना, कॉन्स्टेंट लिखो, कोएफिशिएंट लिखो, डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डिफरेंट क्या, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इफ यू वांटेड टू थर्मल एक्सपेंसिविटी तो मुझे उसमें भी एतराज नहीं है, मैंने खुद निकाल लिया टर्म डिफरेंट थर्मल एक्सपेंसिविटी। और अगर आप कहते हैं डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तब भी मैं इससे इस वर्ड के साथ भी सहमत हूं, मतलब मैं बस ये बताना चाहता हूं कि एक की एक्सपेंशन ज्यादा होगी दूसरे की एक्सपेंशन कम होगी। और जो आपने कहा ना ब्रास एंड स्टील, प्लीज ब्रास एंड स्टील को अंडरलाइन करें, उसकी राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे पता क्या लिखें, ब्रास इज क्या, ब्रास हैज हायर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देन स्टील, ब्रास हैज क्या, हायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। पहला वर्ड क्या अंडरलाइन किया बच्चों आप लोगों ने, बायोमेटलिक स्ट्रिप का। दूसरा वर्ड क्या अंडरलाइन कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंट मेटल्स का। तीसरा वर्ड क्या अंडरलाइन किया आपने, ब्रास एंड स्टील का। डिफरेंट मेटल्स का क्या मतलब है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, थर्मल एक्सपेंशन का। अब मुसीबत पता क्या है, मुझे सिलेबस ने किस बात से मना किया, क्वांटिटेटिव डिस्कशन से मना किया, इस सिचुएशन की क्वांटिटी बनाने से मना किए, इसलिए मैं बड़ा सोच के लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा हूं। हालांकि आपको पता है मैं क्वांटिटी बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि डिफरेंट मेटल्स हैं तो उनका क्या डिफरेंट है, मैंने पहले बोला डिफरेंट एक्सपेंसिविटी है, फिर मुझे लगा एक टर्म है प्रॉपर मैंने पढ़ी अगले किसी सिलेबस में, क्या है डिफरेंट, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। अब उसका एक्चुअल में और क्या नाम है क्या नहीं है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि डिफरेंट मेटल्स का क्या होता है, डिफरेंट एक्सपेंशन की अमाउंट होती है, डिफरेंट एक्सपेंशन का प्रोसीजर होता है, डिफरेंट एक्सपेंशन की लिमिट होती है, डिफरेंट एक्सपेंसिविटी होती है, ये डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, वही डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा, मतलब मैं उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं प्रॉपरली क्वांटिफाई कर भी नहीं रहा, ठीक है। और किसकी क्वांटिटी ज्यादा है आपकी इतला के लिए, यह है कि ब्रास हैज What? Higher या larger? What? Larger coefficient of thermal expansion. Brass has larger coefficient of thermal expansion. You know what is meant by larger coefficient of thermal expansion? जितनी ज्यादा गर्मी होगी brass उतना ज्यादा क्या करेगा? Expand होगा। और जितनी सर्दी पड़ेगी
उतना ही कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। अगर हीट करने से उसका साइज इस तरह से ज्यादा होता है तो कूल करने से उसका साइज इस तरह से कम भी होना चाहिए। यू नो नाउ व्हाट हैपेंस, अब आप देखें ना कि जब आप ब्रास और यू नो कहते हैं व्हेन द बायमेटल स्ट्रिप इज हीटेड द टू मेटल्स एक्सपैंड टू डिफरेंट एक्सटेंट्स, यही कह रहा था ना, द टू मेटल्स एक्सपैंड टू व्हाट, एक्सपैंड टू डिफरेंट एक्सटेंट क्या दें, डिफरेंट थर्मल एक्सपेंसिविटी क्या दें, डिफरेंट कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या दें, आपकी मर्जी है। अल्फाज का जखीरा जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा वर्ड्स आपके दिमाग में होंगे उतना बेहतर कहानी होगी। विच कॉजेज व्हाट, इससे होता क्या है, इट कॉजेज द बायमेटालिक स्ट्रिप टू बेंड सिंस द एंड्स आर फिक्स्ड। कैसे, जरा लुक एट दिस दिस ब्रास एंड स्टील वाली कहानी। सपोज करते हैं कि इस साइड पे ब्रास है और इस साइड पे क्या है जी, दिस इज ब्रास एंड दिस इज स्टील। इनिशियली आपने दोनों की इक्वल लेंथ लेकर आपस में वेल्ड कर दी है, क्या कर दी, इक्वल लेंथ लेकर आपस में वेल्ड कर दी, ओके, एंड्स भी आपने फिक्स कर दी है। अब मुसीबत यह है कि जब आप इनको हीट करेंगे, जब आप इसको हीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, प्लीज ध्यान दीजिए, तो एक्सपैंड करेंगे दोनों, आपको मालूम है हीट करने से, हमने यही तो चैप्टर पढ़ा, हीट करने से चीजें एक्सपैंड, ओके, इसको हीट करेंगे तो क्या करेगा, एक्सपैंड करेंगे, कौन एक्सपैंड करेगा, स्टील भी तो करेगा, ब्रास भी एक्सपैंड करेगा और स्टील भी, हाँ मैंने क्या कहा, कौन ज्यादा एक्सपैंड करेगा, ये मैं मानता हूं कि ब्रास क्या करेगा, ब्रास ज्यादा एक्सपैंड करेगा। तो जब ब्रास ज्यादा एक्सपैंड करेगा तो मतलब अगर मेरे को जी 25 डिग्री पर दोनों की लेंथ बराबर है तो 50 डिग्री पर क्या दोनों की लेंथ बराबर होगी, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। 50 डिग्री पर एक की लेंथ ज्यादा होगी, एक की लेंथ मतलब एक ने ज्यादा एक्सपैंड किया होगा, एक ने मतलब मैं कहता हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पर इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी भी है 10 सेंटीमीटर, बोथ आर क्या 10 सेंटीमीटर, लेकिन 50 डिग्री पर जाकर इफ आई टेल यू it has steel has expanded by 1 cm, brass must have expanded by 2 cm, so it would be 12 cm, it would be 11 cm, matlab initially dono 10 the, aapne heat kiya, iski expansion 1 cm ki hui, iski expansion 2 cm ki hui, to kaun lamba ho jayega, brass ki length zyada ho jayegi। ab do cheeze judi bhi ho, ek cheez ki length zyada, ek cheez ki length kaise kam ho gaya, uske liye kya hona padega, uske liye kya kar jayega ji, ye system thoda tha। अब आप कहेंगे सर कर्व होने से क्या हो रहा है, जरा चेक कीजिएगा, जरा अब आपसे मेरा एक सवाल है, लेट मी टेल यू दिस इज ब्रास नाउ एंड दिस इज स्टील नाउ, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, कौन सी लेंथ ज्यादा है, इफ आई जस्ट टेल यू ये वाली लेंथ कितनी है जी, ये 10 सेंटीमीटर, अब आपने मुझे बताना ये है, ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ ज्यादा है, आई थिंक ये जो अंदर वाला कर्वेचर है इसकी लेंथ कम है, आई थिंक इट शुड बी ऑलमोस्ट 11 cm, एंड इसकी लेंथ क्या है, आई थिंक इट इज 12 cm, थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है, तभी मुमकिन है ना, अगर तो दोनों की एक्सपेंशन एक जितनी होती, दोनों की क्या होती, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं था, फिर ये सीधा सीधा ही एक ही डायरेक्शन में एक्सपेंड करते, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है बच्चों कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सर जी, आप उसको यू नो क्या बोलते हैं, हीट करते हैं, एक साइड से एक्सपेंशन ज्यादा होती है, दूसरी साइड से एक्सपेंशन, तो जिस साइड से एक्सपेंशन ज्यादा होती है वो साइड ज्यादा फूल जाती है, जिस मतलब उस साइड से बेंड आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, जिस साइड से एक्सपेंशन ज्यादा होती है वो साइड ज्यादा लंबा होने के चक्कर में ज्यादा बेंड आउट कर जाती है, आई थिंक बायमेटालिक स्ट्रिप क्या कर जाएगी, वो बेंड कर जाएगी जब भी आप उसको हीट करेंगे, क्यों बेंड कर जाएगी, हीट करने से क्यों बेंड कर जाएगी, बिकॉज एक ने कम एक्सपेंड करना है, दूसरे ने ज्यादा एक्सपेंड करना है, ये तभी मुमकिन है कि जब क्या हो जाए, ये कब मुमकिन है, ओनली इन वन केस, कि जनाब साहब क्या हो जाए, आई बिलीव
कर्व कर जाइए, बेंड कर जाइए, तो उस बेंड में इसकी लेंथ ज्यादा निकलेगी, इसकी लेंथ कम निकलेगी। जी हाँ, थोड़ी बहुत विड्थ भी ज्यादा, लेकिन मैं समझता हूँ मैं अलोंग द लेंथ की बात कर रहा हूँ, मैं अलोंग द लेंथ ज्यादा करूँ, ऑल्दो वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रॉपर, लेकिन मैं पूरा वॉल्यूम दिखाने के लिए कह रहा हूँ जी लेंथ उसकी ज्यादा हो रही है। ठीक है, बहरहाल बहरहाल अब इसके बेंड होने का मुझे क्या फायदा है? अगर मैं बायोमेटल स्टेप इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ उसको हीट करने से क्या हो जाता है, उसको हीट करने से वो बेंड कर जाती है, तो उसके बेंड करने का क्या करूँ मैं बेटा जी? उसके बेंड करने से या कोई सर्किट हुआ तो ऑन हो जाएगा, या कोई सर्किट हुआ तो ऑफ हो जाएगा। कैसे वो नीचे वाली ड्राइंग में आप देख सकते हैं, नीचे वाली ड्राइंग में जाए, कहते हैं टेम्परेचर एक्टिवेटेड स्विचेस वर्क व्हेन अ बायोमेटल स्ट्रिप कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटल्स दैट एक्सपैंड एट डिफरेंट रेट्स बेंड्स बाय अ प्रेडिक्टेबल अमाउंट एट अ गिवन टेम्परेचर। यू कैन सी कि पहले क्या हो रहा था, पहले बायोमेटल स्ट्रिप और जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है। क्या हुआ, आपने उनको हीट किया और हीट करके कोई वो जो बायोमेटल स्ट्रिप है वो क्या कर गई, वो कर्व कर गई, और कर्व के चक्कर में क्या हुआ, कर्व के चक्कर में क्या हुआ, उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट डेवलप हो गया। जब उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट डेवलप हो गया तो सर्किट क्या हो गया, ऑन हो गया। या क्या पता मुझे सर्किट ऑफ कराना हो, समटाइम क्या करना होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सर्किट हमेशा ऑन ही कराना हो, समटाइम हाई टेम्परेचर पर सर्किट ऑफ कराना होता है। ये सर्किट ऑफ कराना होता है, आप में से कौन कौन अपने कपड़े खुद इस्त्री करता है, एनीवन? चलो जी, आधी क्लास अच्छा काम करती है, खुद करती है, बड़ी अच्छी बात है, नेक बात है। जब आप ये कपड़े इस्त्री करते हैं, आप में आपने कभी ऑब्जर्व किया है वो जो आपकी जो इस्त्री है, व्हाट हैपेंस टू दैट आयरन? थोड़ी मतलब पहले हीटअप होती है, हीटअप होते होते उसका जो निशान होता है, मतलब हमने अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस्त्री को सेट किया हो, क्या होता है, 5 मिनट बाद ये 2-4 मिनट बाद खूब बंद हो जाती है। क्यों, क्या होता होगा, है टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर मुकाम पर पहुंच जाता होगा। अब अगर टेम्परेचर उस मुकाम जहां तक हमने सेट किया, अगर यहां से आगे टेम्परेचर, चूंकि अगर बिजली कॉन्टिन्यूसली मिलती गई, बिजली कॉन्टिन्यूसली अगर उसको मिलती गई तो टेम्परेचर उसका कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर अगर उसका कॉन्टिन्यूसली बढ़ता गया तो कपड़ों को ना फिर वो जलाकर राख भी कर देगा, क्या कर देगी, इसलिए फिर कपड़ों का बेड़ा गर्क भी कर देगी। इसलिए कपड़ों का बेड़ा गर्क करने से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्या चल रहा है आयरन के अंदर, आयरन के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, गौर से मेरी बात सुनिए, क्या करते हैं बच्चों, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उसके सर्किट के अंदर क्या लगा होता होगा, मुझे लगता है बायोमेटल स्ट्रिप लगी होगी, और इस तरह का बैंड नहीं होगा उसका, उसका बैंड दूसरी तरफ होगा। पहले से इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ऑन होगा, कॉन्टैक्ट ऑफ कराने के लिए क्या करते होंगे वो, उसकी स्ट्रिप्स का कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा कि टेम्परेचर ज्यादा करने से बैंड दूसरी तरफ आ जाए, किस तरफ आ जाए, उस तरफ आ जाए कि सर्किट ऑफ हो जाए, तो क्या होता है। अच्छा, फिर एक और काम भी होता है, खुद ब खुद ही 2-4 मिनट बाद क्या होता है, इस्त्री फिर ऑन हो जाती है। क्यों भाई, अंदर से वो ठंडी होती है, ठंडी होकर कूल डाउन होती है, कूल डाउन होकर बायोमेटल स्ट्रिप द्वारा गिर जाती है, फिर सीधी हो जाती होगी, फिर उसका कनेक्शन ऑन हो जाता होगा, फिर कनेक्शन ऑन, लो जी फिर गर्म होना स्टार्ट हो गई, फिर क्या होता है, आयोग आपने देखा होगा कि इस्त्री, हालांकि आप पीछे से बटन ऑफ ऑन ऑफ नहीं करते, आप क्या करते हैं, आप यू नो उसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर मुकाम तक सेट करते हैं, वो खुद ब खुद क्या होती है, खुद ब खुद ऑन ऑफ होती है। ये खुद ब खुद कैसे ऑन ऑफ हो रही है, उसके अंदर क्या सिचुएशन है, मुझे लगता है उसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है जो उसके सर्किट को खुद ब खुद ऑन या खुद ब खुद एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, या वो बेंड हो जाता होगा, बेंड होने से उसका सर्किट टूट जाता होगा, और सर्किट टूट जाने से यू नो क्या बोलते हैं, सर्किट ऑफ हो जाता होगा। यहाँ जो ड्राइंग बनी है ये सर्किट ऑफ होने वाली नहीं बनी, यहाँ हीट करने से हाई टेम्परेचर से कर्वेचर कैसा हुआ है, कर्वेचर ऐसा हुआ है कि वो ऊपर की तरफ बेंड कर गया है, और बेंड करके उसने सर्किट को ऑन कर दिया है। खैर बहरहाल कॉन्सेप्ट सीखना है आपने, मैं सर्किट ऑन कर रहा हूँ कि ऑफ कर रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है बायोमेटल स्ट्रिप में। सबसे पहली चीज क्या है, दो मेटल्स है, दो डिफरेंट मेटल्स का क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्या होती है, इन दोनों डिफरेंट मेटल्स की क्या होती है, डिफरेंट क्या बच्चों, थर्मल
एक्सपेंसिविटी, या तो एक्सपेंसिविटी लिखा मैंने या क्या लिखा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सबसे आसान वर्ड क्या है, सबसे आसान वर्ड एक्सपेंड टू डिफरेंट एक्सटेंट, डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा है, वो क्या करेगा उसकी लेंथ नॉर्मल से ज्यादा कम हो जाएगी। मैंने कूल किया ना तो मैं समझता हूं कि कम होना, आई थिंक ब्रास विल बिकम 8 एंड स्टील विल बिकम 9, स्टील विल बिकम 9 एंड यू नो द ड्रॉइंग वुड बी लाइक क्या, आई थिंक अगर आप उसको कूल करेंगे तो उसने कर्वेचर इस तरह से बनाया हुआ है जिसमें मैं, ये कौन है जी, ये ब्रास है और दूसरा वाला कौन है, ये क्या स्टील है, प्लीज टेल मी कि स्टील की लेंथ कितनी नजर आ रही है आपको भी। मैं समझता हूं ये 9 है और ये कितनी है, ये 8 है। तो व्हाट हैज हैपेंड, आई बिलीव जैसे ब्रास ने एक्सपेंशन भी ज्यादा की है तो ब्रास ने कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा की है। सो याद रखने वाली बात है बेटा कि जिसका, जिसको एक दफा आपने कह दिया कि उसकी एक्सपेंशन ज्यादा होती है तो टेम्परेचर कम करते वक्त उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होती है, उसकी क्या होगी भाई, उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा कि अब कूल करते वक्त बेंड किस तरफ हो रहा है, कूल करते वक्त बेंड स्टील की तरफ हो गया, क्यों, अब स्टील की लेंथ ज्यादा है और ब्रास की लेंथ नॉर्मल से कम, बल्कि स्टील से भी कम होगी। एट दिस स्टेज दोनों की लेंथ क्या थी, इक्वल। हीट करोगे तो कौन थोड़ा हीट होगा, कौन ज्यादा हीट होगा, कौन थोड़ा एक्सपेंड करेगा, कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा, स्टील थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, ब्रास ज्यादा, तो स्टील 10 की बजाय 11 हो जाएगा, ब्रास 10 की बजाय 12 हो जाएगा। तो ये 12 और 11 ड्रॉइंग है। अगर आपने उसको कूल किया, प्लीज टेल मी क्या होगा, अभी स्टील ने भी कम होना है और स्टील एक्सपैंड होते वक्त भी थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ था, तो स्टील कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन ब्रास एक्सपैंड होते वक्त भी ज्यादा एक्सपैंड हुआ था, तो ब्रास कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अब क्या करो, ये 10 की बजाय ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो अब आपका ड्रॉइंग कैसा होना चाहिए, अब आपका ड्रॉइंग ऐसा होना चाहिए। यहां तक किसी को परेशानी है जी, एक काम करिए, इस हीटेड के आगे जाके लिखेंगे आप, इस हीटेड के आगे नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस व्हाट, हीटेड के आगे अलग नोट लिखेंगे, कूल्ड के आगे अलग नोट लिखेंगे, लिखिए जी क्या, सिंस ब्रास हैज लार्जर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सिंस ब्रास हैज लार्जर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ब्रास हैज लार्जर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लार्जर क्या लिखा जी, कोएफिशिएंट ऑफ, Then steel. So what? So it expands. So it expands more than steel upon heating. And contracts more than steel upon cooling. मुझे ये कहना चाहिए कि ब्रास का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स हीट ज्यादा है, मुझे कहना चाहिए ब्रास इज मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स हीट, कि ब्रास का हीट के साथ ताल्लुक, मतलब हीट करो ज्यादा तब्दीली, कूल करो ज्यादा तब्दीली, उसका लेना देना ब्रास का क्या जी, हीट करने से ज्यादा ज्यादा लेंथ होगी, कूल करने से और ज्यादा कम होगी लेंथ। तो आपने क्या लिखा, सिंस ब्रास हैज लार्जर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो क्या करोगे, आई बिलीव यू नो उसका
टेम्परेचर ज्यादा करने से उसमें इजाफा भी ज्यादा आएगा और उसमें टेम्परेचर कम करने से कमी भी ज्यादा आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में ब्रास की लेंथ नॉर्मल से ज्यादा है तो कर्व उसकी तरफ है, इस केस में ब्रास की लेंथ नॉर्मल से भी कम हो गई है तो उसकी लेंथ 8 हो गई, उसकी 9 हो गई है तो उसकी तरफ कर्वेचर है। किसको मसला है? मैं अगर आपके सामने एक सवाल लिखूं कि सपोज करता हूं, क्या लिखना छोड़ेंगे प्लीज? इफ आई जस्ट टेल यू दिस इज सम बायमेटल स्ट्रिप ए एंड बी एंड यू नो इफ आई टेल यू कि ए इज व्हाट, ए इज मोर एक्सपेंसिव, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं लिखा है, क्या लिखा है? एक्सपेंसिव लिखा है कि वो एक्सपैंड होने वाला एक्सपेंसिव लिखा है। ए इज मोर एक्सपेंसिव देन बी, ओके। अब बताएं अपॉन हीटिंग क्या सीन होगा, हीटिंग पे क्या सीन होगा जी? ए की एक्सपेंशन ज्यादा है ना, ए ज्यादा एक्सपेंड करेगा ना, क्या ड्रॉइंग होनी चाहिए, क्या ड्रॉइंग होनी चाहिए हीटिंग पे? ड्रॉइंग इनमें से कौन ए होगा, मतलब ज्यादा लेंथ किसकी है? इसकी, तो ये ए होगा और ये। अच्छा कूलिंग पे क्या होगा, कूलिंग पे ए की लेंथ नॉर्मल से कम हो जाएगी तो बी की लेंथ थोड़ी नहीं, मतलब इन दोनों में किसकी लेंथ बहुत ज्यादा रिड्यूस करेगी? ए की लेंथ बहुत ज्यादा रिड्यूस करेगी। अगर ए की लेंथ बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई तो अब कर्वेचर किसकी तरफ जाएगा? ए कौन, ये ए और ये, जिसको मसला इस बात से, ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि बायमेटालिक स्ट्रिप में बेसिकली क्या होता है, बायमेटालिक स्ट्रिप जो है वो दो मेटल्स की बनी होती है, दो डिफरेंट मेटल्स की बनी होती है, दोनों डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन होती है या डिफरेंट कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन होती है। फिर जब आप हीट करते हैं तो ज्यादा एक्सपेंड होने वाला ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है और कर्व कर जाता है, बेंड कर जाता है, किसकी तरफ? एक्सपेंशन के दौरान मोर एक्सपेंसिव की तरफ, और कूलिंग के दौरान क्या होगा, कूलिंग के दौरान जो मोर एक्सपेंसिव था वो मोर कॉन्ट्रैक्टिव भी था, उसने और ज्यादा बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी किया खुद को, तो वो छोटा हो जाता है और दूसरी वाली साइड बड़ी हो जाती है। किसी के पास अगर कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन, आई होप जो पेपर में सवाल आना है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। पेपर में क्या सवाल आएगा बेटा जी, ये जो मैंने सवाल बनाया है इस तरह का सवाल आएगा पेपर में, ठीक है? कि यार ये ए और बी दो मेटल्स हैं, बायमेटलिक स्ट्रिप जो है वो ए और बी की बनी हुई है, ए की एक्सपेंशन ज्यादा है, बताओ हीटिंग पे ड्राइंग कैसे होगी और कूलिंग पे ड्राइंग कैसे होगी, वो आपने बता दी। और फायदा भी मैं इसका समझा चुका हूँ कि इस बायमेटालिक स्ट्रिप का मैं क्या फायदा निकालूंगा। इसका फायदा टेम्परेचर के ज्यादा या टेम्परेचर के कम या टेम्परेचर के चेंज होते वक्त क्या करने के लिए, टेम्परेचर के चेंज होते वक्त यू नो मैं समझता हूँ कि टेम्परेचर के चेंज होते वक्त इसका कर्व हो जाना, इसके कर्व हो जाने से सर्किट का ऑन या ऑफ हो जाना यू नो इस चीज की निशानी। तो एक काम करें, जो ड्राइंग बनी है ना ये जिसमें सर्किट ऑन और ऑफ हो रहा है उसकी साइड पे जाके एक नोट लिखें, द ऑटोमेटिक स्विच ऑन एंड ऑफ, द ऑटोमेटिक switching on and off of an electrical iron, the automatic switching on and off, the automatic switching on and off of, automatic switching on and off of kya an electrical iron is a better example, is a better example of using bimetallic strip, is a better example of using bimetallic strip, better example of using bimetallic strip. यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए जी। कौन? मैंने कर दिया, ए इज मोर एक्सपेंसिव, ये वाला देखो इसमें से हीट कर लिया तो किसकी एक्सपेंशन ज्यादा है, कौन ज्यादा होगा लेंथ में, तो ए ज्यादा होगा लेंथ में। अब किसकी तरफ करेगा, अब इसको क्या बोलेंगे,
किसकी तरफ करेगा? व्हाट डू मीन बाय दैट? ए की तरफ, ए कर्व किसकी तरफ है? आप क्या चाह रहे हैं? समझ अब आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? ये नॉर्मल लेंथ है, इसमें से कौन ज्यादा एक्सपेंड करता है? ए ज्यादा एक्सपेंड करता है, तो हीट करते वक्त ए की लेंथ नॉर्मल से बहुत, बताओ आप ये अंदाजा लगाओ ना, ये 10 10 है। अब बताओ ये कितना और ये कितना है? ये 12 और ये, तो सही है। अब क्या पूछ रहे हैं इसमें? जब कूल करेंगे तो क्या होगा? ये 10 और 10 है, कूल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। और ये चेक करो ना, ये कितना है? ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आई थिंक ऐसे हिसाब लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं अपने आप को ऐसे समझाता हूँ, ये 10 10 है, हीट करते वक्त ए शुड बी 12 एंड बी शुड बी 11, कूल करते वक्त ए शुड बी मोर कॉन्ट्रैक्टेड, ए शुड बी वेरी मच लेसर 8 एंड बी शुड बी 9, तो ये 8 है 9 है। ठीक है जी, आप क्या चाहते हैं? दोनों की एक्सपेंशन सेम हो तो फिर बायमेटेलिक तो ना हो। बायमेटेलिक का तो मतलब क्या है? दो मेटल्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों की अमाउंट डिफरेंट है। अगर आपने दोनों मेटल्स ऐसे लेने हैं जिनकी सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन है तो बेटा वो सीधा सीधा ऐसे ही जाते जाएंगे, फिर वो बेंड क्यों करें? बेंड तो कौन करेंगे और क्यों करेंगे? बेंड वो करेंगे जिनको आपने एक तो जोर जबरदस्ती वेल्ड किया हुआ है, वेल्ड करके आपने उसको बोला जी एक्सपैंड तो तुमने इकट्ठे होना है, तो कहेगा भाई जान मैं कम होता हूँ वो ज्यादा होता है, तो कहेगा नहीं भाई हमने तो तुम्हें वेल्ड किया हुआ है, तुम इकट्ठे एक्सपैंड करोगे। कहते अच्छा भाई आप एक ही साइंस है हमारे पास कि हम कर जाते हैं, जिसने ज्यादा एक्सपैंड होना है वो बाहर वाली साइड पर आ जाए, जिसने कम एक्सपैंड होना है वो अंदर वाली साइड पर आ जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है, कि दो मेटल्स हैं, दोनों मेटल्स को हमने वेल्ड किया है, उनकी एक दूसरे से जान भी नहीं छूट रही, एक दूसरे से जुदा जुदा भी नहीं हो रहे, और मुसीबत क्या है? टेम्परेचर ज्यादा हो गया, एक ने अपने आप को 2 सेंटीमीटर, मैं आज आपको इसका एक वो व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर इस फाइल को जब भेजूंगा तो चेक कीजिएगा, मैं ना यहाँ रेलवे ट्रैक्स 3 तरह से भेजूंगा कि अगर उनके अंदर गैप ना हो और सर्दियां हो जाए तो बाबा कायद आजम के जमाने की जो ट्रैक्स होते थे उनकी शक्ल कैसी हो जाती थी सर्दियों में या गर्मियों में, वो भेजूंगा। फिर बीच में जब ज्वाइंट छोड़ो, ज्वाइंट्स छोटे छोटे गैप छोड़ दो, तो गर्मियां सर्दियां उसको क्या कहती हैं क्या नहीं कहती, वो ड्राइंग बना के भेज दूंगा। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आपने रेलवे ट्रैक के अंदर कोई गैप ना छोड़ा और वो लंबी सी एक आपने लेंथ ले ली पिंडी से लेकर लाहौर तक, तो क्या होना है बेटा जी? गर्मियां सर्दियां आनी है, गर्मियों के चक्कर में उस ट्रैक ने बकल कर जाना है, उसने टेढ़ा मेढ़ा हो जाना है और ट्रेन उसके ऊपर सफर नहीं कर सकेगी। तो उसका इलाज क्या होता है कि आप क्या कर देते हैं, आप उनके बीच में एक एक्सपेंशन ज्वाइंट देते हैं। क्या देते हैं जनाब साहब? एक्सपेंशन ज्वाइंट डेवलप किया जाता है, और वो ज्वाइंट क्या करता है? वो कहता है जनाब साहब अगर गर्मी आ भी गई ना तो इसी ज्वाइंट के अंदर रेलवे ट्रैक क्या होगी? एक्सटेंड होगी, तो उस ज्वाइंट को भर देगी। क्या कर देगी? उस ज्वाइंट को भर देगी, तो क्या नहीं होगी? बकल नहीं होगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, तो क्या होता रहेगा? गुजारा चलता रहेगा। मैं किस ड्राइंग की बात कर रहा हूँ सुने जरा। मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेलवे ट्रैक और दिस शुड बी अ रेलवे ट्रैक, बट इफ देयर इज सम इन समर दिस विल डू लाइक दिस, क्या जी ऐसे, और जरूरी नहीं कि साथ वाली भी ऐसे ही हो, क्या पता साथ वाली क्या कर जाए ऐसे, मतलब वो जब उसने एक्सपैंड अपने हिसाब से करना है, इसने एक्सपैंड वो उधर से बाहर की तरफ एक्सपैंड कर जाए, इधर से बाहर की तरफ एक्सपैंड कर जाए, तो रेलवे का ट्रैक किधर गया? खड़े में गया, ठीक है। तो पटरी किधर गई? पटरी किधर गई, तो रेल किधर गई? कुछ समझ नहीं आई। वो क्या कहते हैं? कहते हैं जनाब साहब एक काम करें, यूं करें, फिर 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 यहाँ पे यूं करें, यूं करें, यूं करें, यूं करें, यूं करें, ताकि थोड़ा थोड़ा गैप आपने दिया हो, कोई बात नहीं, रेलवे ट्रैक में हम छक छक एंजॉय कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है ना, वो थोड़ा परेशानी हो जाएगी, अल्लाह को प्यारा प्यारा होना एंजॉय नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं जनाब साहब? अब ये नॉर्मल है, अगर गर्मी आ गई तो क्या होगा? बजाय इसके कि बाहर की तरफ एक्सपैंड करे, ये क्या करेगा? ये इधर से लंबा हो जाएगा और ये रहेगा सीधे ही, रहेगा ये क्या
सीधा ही रहेगा, इसलिए वो कहते हैं ज्यादा बेहतर है कि क्या कर लिया जाए बजाय इसके कि एक सीधा कॉन्टिन्यूस पटरी डाली जाए। क्या करें, छोटे छोटे पटरी के पीसेस, थोड़ा सा गैप, फिर पीस, फिर गैप, फिर पीस, फिर गैप। जी है, हाँ, गर्मियों में चकाचक थोड़ी कम होगी, अफकोर्स सही कह रहे हैं, कह रहे सर जी गर्मी में चकाचक नहीं होगी, गर्मी में थोड़ी कम हो, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। किन मुल्कों में सर्दी नहीं आती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? असल में वो हर मुल्क अपने अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि मैंने गैप कितना रखना है, कितना नहीं रखना। मैं यही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में गर्मी भी आती है तो सुथरी आती है, सर्दी भी आती है तो सुथरी आती है। कनाडा चले जाएंगे तो वहाँ सर्दी सर्दी आएगी, गर्मी बहुत कम आएगी, तो वहाँ वो अलग ही हिसाब लगाएंगे ना। हर मुल्क अपने हिसाब से पटरी बनाएगा या फिर एक ही पटरी का फॉर्मूला पूरी दुनिया में चलेगा। मेटल्स एक्सपैंड वेरी लो, वो वेरी लो भी हमारे लिए बड़े नुकसान की चीज होती है। वो थोड़ा सा एक्सपेंशन भी क्या करेगा, पटरी को लेफ्ट राइट करने के लिए काफी है, और पटरी अगर लेफ्ट राइट हो गई तो ट्रेन का उस पटरी से उतरना काफी है, उतर जाएगी उसके ऊपर से, ठीक है जी। सो कहने का मतलब ये है कि एक तो सॉलिड्स जो है उनका एक्सपेंशन इतना बड़ा नहीं है, इतना फिनोमिनल नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंशन भी बहुत बड़ा नुकसान कॉज कर सकता है। घरों में जो बड़े बड़े प्लाजे होते हैं वो भी एक्सपैंड करते हैं। अगर मैं कोई मैंने बिल्कुल ही सीधी थ्रू आउट दीवार बना दी है, ठीक है, बिल्कुल सीधी, उसके साथ दूसरी थ्रू इस तरह से दीवार बना दी है, बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा, तो ये दीवार अलग एक्सपैंड करेगी वो दीवार, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या होने के चांसेस हैं। ये फोर्सेज ऑफ नेचर जो हैं ये क्या करती हैं, ये बहुत जायगेंटिक होती हैं, और थोड़ी सी भी हो ना क्रैक पैदा होने के चांसेस हैं, और बिल्डिंग का जो क्रैक होता है ना वो पूरी बिल्डिंग के कोलैप्स की निशानी होती है, किसी भी लम्हे पूरी बिल्डिंग गिर सकती है, ठीक है। खैर बार इस वक्त बिल्डिंग क्या होती है क्या नहीं होती मैंने ये नहीं सिखाना, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो पढ़ो दे क्या लिखा, मैं इसको दोबारा पढ़ू, द एक्सपेंशन ऑफ सूट 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 प्लीज अंडरलाइन द वर्ड बकल आगे। गैप्स, अंडरलाइन द वर्ड गैप्स बिल्ट इन, ताकि स्पेस मिल जाए, फॉर व्हाट, फॉर द एक्सपेंशन टू हैपन विदाउट कॉजिंग क्या, विदाउट कॉजिंग डैमेज। आगे चले, वो एक तो कहते हैं ये सिर्फ गर्मी सर्दी का मसला नहीं है, जब इस लोहे के ट्रैक के ऊपर कौन जाता है, ट्रेन जाती है, तो ट्रेन भी लोहे का टायर होता है उसका, दोनों जब मूव करते हैं तो आसमान जितनी उनमें फ्रिक्शन होती है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है, उस वजह से भी गर्म हो जाते हैं, उस वजह से भी गर्म हो जाए तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड एक्सपैंड करके टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तो उनको टेढ़ा मेढ़ा होने से बचाने के लिए देयर इज अ गैप लेफ्ट इन बिटवीन देम। जनाब साहब एक्सपैंड करोगे तो लेफ्ट राइट एक्सपैंड ना करना, मेहरबानी करना क्या करना, सीधी लाइन में एक्सपैंड करना, ताकि ट्रैक जो है वो खराब ना हो रहा हो। यहाँ पे जाके मैं आपके लेक्चर का अख्तिताम करना चाहूंगा, आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आंसर कर दें।